सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। माता पिता पर उतना तो विश्वास रखो जितना बीमार होने पर दवाइयों पर रखते हो। बेशक कड़वे होंगे पर आपके फायदे के लिए होंगे। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। यह सही है कि इंसान को गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर जो इंसान अधिक गुस्सा करते हैं प्यार भी उतना ही अधिक करते हैं, क्योंकि लाल रंग खतरे का निशान है तो प्यार की निशानी भी। आज का पंचांग 1 अप्रैल 2024 दिन सोमवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, रात्रि 9:10 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र रात्रि 11:12 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:54 से 9:26 तक रहेगा। आज का बीजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। आप सभी को शीतला सप्तमी की शुभकामनाएं। मकर राशि 1 अप्रैल 2024 दिन सोमवार, आज आप में कुछ करने और दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा बनी रहेगी। आप मजबूत और पक्के फैसले ले पाएंगे और ऐसा करने का आपका समय बिल्कुल ठीक होगा। आप अपने पुराने कर्ज और एहसानों से भी मुक्त हो पाएंगी। आप अपने शीघ्र विचार की क्षमता के कारण किसी की जरूरत के समय मदद कर पाएंगी। घर में धार्मिक अथवा आध्यात्मिक संबंधित कुछ कार्यक्रम संपन्न भी हो सकते हैं, जिसमें सकारात्मक ऊर्जा भी आप महसूस करेंगे। आपका सिद्धांतवादी दृष्टिकोण समाज में आपको सम्मानित रखेगा। विद्यार्थियों तथा युवा वर्ग अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम भी हासिल कर सकती हैं। परिवार के किसी व्यक्ति की आपके लिए बढ़ रही नाराजगी चिंता का कारण बन सकती है। क्षमता के अनुसार अपना पक्ष समझाने की कोशिश करें। फिलहाल बाहरी लोगों से चर्चा करने से आपको बचना होगा। जीवन पर नकारात्मकता का असर हो सकता है। आध्यात्मिक बातों की वजह से नकारात्मकता भी दूर हो सकती है। करियर से संबंधित अवसर प्राप्त होगा, फिर भी आर्थिक लाभ न होने की वजह से थोड़ी नाराजगी भी रह सकती है। पार्टनर और आपके बीच की दूरियां भी आज बढ़ सकती है। पेट दर्द और कंधे में जकड़न हो सकती है, ख्याल रखें। आज के दिन आपके लिए चिंताग्रस्त रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आप अपने अनुभवों का पूरा लाभ उठाएंगे। आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ने से आपका मन थोड़ा परेशान रह सकता है। आप संतान के साथ बैठकर कुछ पुरानी यादों को ताजा करेंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोगों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है, जिसके कारण रिश्ता टूटने के कगार पर आ सकता है। आप अपनी मकान दुकान आदि की खरीद बिक्री की योजना बना रहे थे तो उसमें आपको उसके जरूरी कागजों पर पूरा ध्यान देना होगा। सावधानियां, व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहें। कोई पैतृक संबंधित मामले को लेकर तनाव रह सकता है, परंतु आप भी अपने शंकालु स्वभाव को बदलें तथा लचीलापन लेकर आएं। शांतिपूर्वक तरीके से परिस्थितियों पर विचार विमर्श करें। बात करते हैं लव लाइफ की। आपके प्रेम संबंधों में काफी जटिलता भी आएगी और कई मुद्दों पर आपको आज ध्यान देने की भी बहुत जरूरत है। हालांकि आपको यह एहसास होगा कि इन मुद्दों पर ध्यान देने की वजह से आप में उच्च स्तर की समझ विकसित होगी और साथ ही साथ कुछ अनसुलझे पहलू भी स्पष्ट होंगे। यह आपको पारदर्शी संबंध बनाने की शक्ति देंगे। बात करते हैं करियर की। आज के दिन अपनी व्यवसायिक और वित्तीय गतिविधियों में बदलाव लाने का दिन है, इसलिए अगर कुछ इस तरह की आपकी योजना है तो अपने आप को तनाव मुक्त रखें। आप अपना दृष्टिकोण प्रभावी ढंग से शीर्ष प्रबंधकों के समक्ष रख पाने में समर्थ होंगे। यह अपने नियोक्ता से अपनी आय को बढ़ाने का उपयुक्त मौका भी है। इस वक्त इनकम और खर्चे दोनों बराबर रहेंगे। बिजनेस या नौकरी में किसी तरह के बदलाव की स्थिति भी आज बन सकती है। शेयर मार्केट और अन्य आर्थिक जोखिम वाले कामों से बचें, धोखा होने की आशंका है। बात करते हैं सेहत की। आपको अपने भोजन में काफी परिवर्तन करने होंगे।
अपने खाने में खूब फल सब्जियां, दूध और लीन प्रोटीन को शामिल करें, क्योंकि ये सब अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आपको यह अनुभव होगा कि आप जिस तरह का गलत खाना खाते आ रहे हैं उससे आपकी सेहत प्रभावित हुई है, फिर भी खाने में इन बदलावों को लागू करना आपको आयोजन बनाने से भी कहीं अधिक मुश्किल लगेगा। अपनी सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए किसी दोस्तों को अपनी योजना में शामिल जरूर करें। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।